नमस्कार सभी को। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, तो पहला है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ किया था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए और जुलूस निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती थी। ऐसे में लोगों को इकट्ठा करने के लिए नए नए तरीके ढूंढे जाते थे और उन्हीं तरीकों में से एक था गणपति महोत्सव। तो इस तरह से गणपति महोत्सव की शुरुआत हुई थी। अगला है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध कर दिया? तो ये सन्यासी विद्रोह था, जिसको आनंदमठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और यह सन्यासी विद्रोह का आरंभ 1776 और 77 में हुआ। और आपको बता दें कि इसी आनंद मठ से हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम तीन विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये 1857 में हुई थी। आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट डाउन करते जाइए। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 से 1908 के बीच चला, इसके प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो इस स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। ये एक वृहत आंदोलन था जिसमें भारतीयों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग ने की थी। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो ये 1911 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका क्या नाम है? तो ये गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, और हमने आपको सभी पुस्तक लेखक की PDF फाइल प्रोवाइड करा दी है। उसमें आपको सभी महत्वपूर्ण पुस्तक लेखक दी हुई हैं, आप जा करके वहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगला है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थीं? तो ये एनी बेसेंट थीं, जो कि कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष थीं, 1917 में बनी थीं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कर्जन था, जिसने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। तो अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये आगा खां था। अगला है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मार्ले उस समय भारत में ब्रिटिश ताज का सचिव था और मिंटो भारत का वायसराय था, इसलिए इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, केसरी। केसरी नामक पत्रिका बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू की थी। अगला है, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है, और इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, आ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप नोट डाउन करते जाइए। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष 1907 में हुआ था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हुई थी। यह अधिवेशन सूरत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी ने की थी। ये 1907 वाला अधिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया था। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1913 में। अगला है, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? आंसर दीजिए।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी को, क्योंकि यह गरम दल के नेता थे, इनको गरम दल का पिता भी कहा जाता है। अगला है, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोध संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये वी डी सावरकर जी ने की थी, और अभी फिलहाल में वी डी सावरकर जी के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। अगला है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो ये सरोजनी नायडू ने कहा था। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसी लाइन भी पूछ ली जाती हैं, तो आप इनका भी ध्यान रखें। अगला है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट ने, और यह विभाजन 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में। अगला है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि गीता रहस्य किसने लिखी थी, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो ये लॉर्ड डफरिन के समय में बनी थी, और इस कांग्रेस को ए ओ ह्यूम द्वारा 1885 में शुरू किया गया था मुंबई में। अगला है, कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये भारत के इतिहास में काफ़ी महान व्यक्ति रहे हैं। तो ये आपके रिवीजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियो के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, ताकि आने वाले नोट्स और वीडियो आप तक लगातार जरूर पहुँचते रहें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए। किसी नोट्स पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे।